गुड मॉर्निंग, मैं हूँ बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज है 6 जनवरी और आज का सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। अमायरा के लिए कुछ वेजिटेबल्स खरीदना है तो अमायरा को मैंने सुला दिया है। तो अमायरा सोई है, खाना खा लिया है उसने और अमायरा भी सोई है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम मैं यूटिलाइज कर लूँ और मैं मम्मी को कह रही हूँ कि मम्मी आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और मैं झट से बाजार जाके उसके लिए कुछ सब्जियां वगैरह खरीद के झट से चली आऊंगी। क्योंकि हमारा जब तक सोई है, अब तो बज रहा है, अभी बज रहा है 11:15, हमारा कम से कम 12 बजे तक सोएगी तो उससे पहले मुझे काम निपटा के आना होगा। तो मैंने कहा कि मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं टेक ओवर कर लेती हूँ, तू चली जा और तू मार्केट लेके आ। तो मैं अभी मार्केट जा रही हूँ हमारा के लिए कुछ लाने। तो चलो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सब्जी खरीदते हैं। तो मार्केट जाते हुए मुझे याद आया, अमायरा के लिए मैंने तकिया बनाया था नया, उसका कवर भी मैंने बनाने के लिए दिया था इस शॉप से। ये चांद बेडिंग शॉप है, यहाँ से मैंने ऑर्डर दिया था तो वही मैं डिलीवरी लेने आई हूँ। मार्केट पे आया था, मार्केट पूरा बंद है यहाँ पे। एक दिन बंद होता है मार्केट, इसीलिए साल में एक दिन बंद होता है, इसीलिए पूरा मार्केट बंद है। मुझे कुछ भी नहीं मिला तो अभी मैं दूसरा मार्केट जा रही हूँ, देखती हूँ कि वहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है और यहाँ पे थोड़ा सा काला काला आ रहा है तो यहाँ पे हम वीडियो नहीं बनाते हैं और चलो घर चलते हैं और घर चल के हम बातें करते हैं। तो सारे जो मुझे फ्रूट्स वगैरह चाहिए था हमारा के लिए और सब्जी वगैरह चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है, अभी हम घर के और जा रहे हैं। मुझे ये टेंशन लगा रहा है कि हमारा उठ गई है या नहीं, मम्मी उसके पास है, तो चलो घर चल के देखते हैं। गाइस मैं मार्केट से लौट आई हूँ और लगभग 25 मिनट पहले मैं लौट आई हूँ मार्केट से और अभी बज रहा है 12:20 और अभी तक देखो अमायरा सोई हुई है। मम्मी ने कहा कि अमायरा ने एक बार उठा था और फिर अमायरा को फिर मम्मी ने सुला दिया और फिर वो सो गई और अभी तक सो रही है और मैं इतनी जोर से बात कर रही हूँ फिर भी वो सो रही है। अब मेरा लगता है मेरा जो दोपहर का नींद है वो हराम हो गया क्योंकि अमायरा दोपहर को अब नहीं सोएगी। वो क्या करती है, अभी तो 12 से पहले मतलब 12 तक वो उठ जाती है और हर रोज दोपहर को वो 3:30 सो जाती है, कभी कभी 4 बज जाता है। तो आज तो लगता है 4 भी ये नहीं सोएगी क्योंकि ये तो बिल्कुल घोड़ा बेच के सो रही है। एनीवे मैं इतनी जोर से बात कर रही हूँ उसको उठाने के लिए, लेकिन क्या करें, अभी उसको वो सो रही है तो उसको सोने देते हैं। अभी उसका दोपहर की नींद के चक्कर में अभी का नींद क्यों खराब करना है ना।
तो दोस्तों शाम हो चुका है और दोपहर को बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड हो गई थी, पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा था तो सोने का मन कर रहा था और मैं सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आया क्योंकि अमायरा बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। ये देखिए अमायरा अभी सो रही है और अमायरा बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, अमायरा की वजह से बिल्कुल सोना नहीं हुआ। फिर 4 बजे जाकर मैं सोई और 4 बजे से 5:30 बजे तक मैं सोई रही। अभी बज रहा है 6:10, अभी अमायरा उठेगी, उसको मैं खाना खिलाऊंगी, मतलब कुछ भी टिफिन वगैरह कुछ भी हो मैं उसको वो खिलाऊंगी। उसके बाद मैं और मम्मी थोड़ा सा बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, वो मामोनी की जो ब्लाउज हमने बनाने के लिए दिया था वो लाना है, मम्मी का जो कपड़ा बनाने के लिए दिया था वो लाना है। देखते हैं कि बाहर जा पाते हैं या नहीं, अगर जाएंगे तो वो जरूर आप लोगों से शेयर करें। गाइस गुड इवनिंग, अभी मैं अमायरा को लेकर निकली हूँ बाहर। अमायरा को खाली बाहर जाना है, उसको बस बाहर के तरफ वो उंगली कर रही है और उसको टाटा टाटा सूझ रही है। तो मैंने और मम्मी ने सोचा कि मम्मी का उस दिन जो हमने कपड़े बनाने के लिए दिया था ना वो तैयार हो गया होगा, तो मम्मी कह रही है चलो बैठे हैं तो लेके आते हैं और अमायरा को भी एक टूर हो जाएगा छोटा सा, इसीलिए हम लोग अमायरा को लेकर निकल रहे हैं। अमायरा चलो हमारे साथ बाहर घूमाते हैं। ये देखो दोस्तों हम लोग अभी पैदल चल रहे हैं क्योंकि मम्मी कह रही है कि बहुत दिन हो गए हम लोग पैदल नहीं कहीं गए हैं, हर जगह हम लोग टोटो या ऑटो कर लेते हैं, तो थोड़ी देर हम लोग पैदल चलते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा है। इसलिए हमने अपना मास्क नीचे कर दिए है क्योंकि चलते वक्त मास्क पहनना अलाउ नहीं है, इससे सांस फूल सकती है। तो अभी हम लोग थोड़े देर पैदल जाएंगे, उसके बाद छोटा मोटा काम है वो सारे निपटा के हम आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम करते हैं आज। पपेट्स पे आए थे खिलौना लेने अमायरा के, तो मैंने ले लिया है एक वो, ये लिया है जॉनी जो ये सेट है ये वाला, और एक बॉडी लोशन जो मैंने बताया था खत्म हो गया है वो लिया है। तो हम लोग आ गए हैं डायमंड पे, यहाँ पे हम लोगों ने मामोनी की ब्लाउज बनाने के लिए दिया था, तो देखते हैं कि ब्लाउज बन गया या नहीं। ये रहा डायमंड, तो बन चुका है ब्लाउज, हम ब्लाउज लेने के लिए खड़े हैं और चश्मा ना खाली भेपर हो जाते चलते चलते, चश्मे में भेपर हो रहा है। तो हम लोग वापस आ गए हैं और अभी बाहर ठंड लग रहा था, ठंड वैसे तो कम हो चुका है लेकिन थोड़ा सा ठंड था, इसलिए पापा ने चाय बनाया है और हम अभी चाय पी रहे हैं। और सारे काम जैसे तैसे निपटा के हम आ गए क्योंकि अमायरा को कैरी करके काम निपटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अगर साथ में कोई रहे तो अच्छा होता है, लेकिन मम्मी भी ले रही थी लेकिन मम्मी को मतलब रास्ते में चलते हुए शाम के टाइम वैसे ही प्रॉब्लम होता है तो इतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकती, लेकिन हो गया जैसे तैसे काम निपटा के हम लोग वापस आ गए हैं। और ठंड था थोड़ा सा लेकिन अमायरा को मैंने जैकेट वैकेट पहना के लेके गई थी ताकि उसको ठंड बाहर से ना लगे, वैसे तो वो ठीक ही है लेकिन फिर भी प्रिकॉशन तो मेंटेन करना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ठंड कम नहीं हो गया ना? ठंड बहुत ज्यादा कम हो गया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और चलो अभी बज रहा है शाम के 8 बज चुके हैं और
अभी थोड़ी देर बाद हमारे डिनर की प्रिपरेशन शुरू होगा और डिनर में आज ज्यादा कुछ नहीं बनाएगी। मम्मी ने कहा है कि आज पराठा बनेंगे और उसके साथ दाल फ्राई बनाना है, तो फिर दाल फ्राई पराठा और मिठाई है। पापा उस दिन गए थे ना बाहर तो मिठाई लाए थे अच्छा वाला, तो मिठाई है तो उसी से हम लोगों का डिनर का काम चल जाएगा। दोस्तों कुछ बातें शेयर करनी थी आप लोगों से। जैसे हम लोगों को पता है कि ज्ञान बांटने से अच्छा होता है। अगर आपको आपके पास नॉलेज है, अगर किसी चीज के बारे में आपको पता है तो वो चीज आप दूसरे से शेयर कीजिए तो आपको अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ज्ञान बांटने से कुछ खराब भी हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। फिलहाल मैं कुछ ज्ञान की बातें किसी के साथ शेयर कर रही थी जो मुझ पर उल्टा पड़ गया और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है मुझे लगा कि वो पास करना चाहिए, लेकिन वो दूसरों ने दिल पे ले लिया और बहुत बुरा लगा इस बात से। लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, मैं बस अपना ज्ञान ही बांट रही थी। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 7 जनवरी और आज 7 जनवरी की सुबह है और मैं सुबह सुबह थोड़ी सी वॉक करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। थोड़ी सी वॉक कर मैंने कर लिया है, अभी मैं अंदर जाऊंगी और चाय पीऊंगी। तो कल रात को शूट करते करते लेट हो गए और फिर मैं ब्लॉग का एंड शूट करना भूल गई, मतलब भूल ही नहीं, वक्त नहीं मिला। और थोड़े अमारा को खिलाना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है एक मम्मी को कितने सारे काम करना पड़ता है, इस वजह से नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह ब्लॉग का एंड शूट कर देती हूँ और आज सुबह सुबह ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगेगा, तो एक सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा ब्लॉग दोपहर को या तो फिर रात को ही पोस्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी पोस्ट करूंगी। एनीवे गाइस, दिन भर मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग बहुत अच्छे तरह से मेरे साथ दे रहे हो, ऐसे ही साथ देते रहो आप, मुझे आगे बढ़ाते रहो। मेरे चैनल को अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल, आप सब के लिए मैं ये दुआ करती हूँ। अगर आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।